अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बिल्कुल अच्छे से होंगे। आज हम एक ऐसा वीडियो लाए हैं जो कि इंडिया नेपाल दोनों कंट्री से रिलेटेड है। नया जोड़ा बना है भाई इंडिया नेपाल का, और जो ब्रदरली रिलेशन थे वो आप क्या कहते हैं, वो रिश्तेदारी में बदल गया है रिश्तेदारी में दोस्ती, बदल गए हैं। रिश्तेदारी में बिल्कुल, बदल गया। तो ये वीडियो देखते हैं। काफ़ी ट्रेंडिंग वीडियो है कि नेपाली जो रीका लड़की राहुल। है उन्होंने एक इंडियन लड़के से शादी किया, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ना धर्मले शिक्षा ना भूगोलले नै शिक्षा। आज मेरो साथमा उदाहरणीय जोडी हुनुहुन्छ, दुई देशको हुनुहुन्छ, नेपाल अनि भारत। कसो लाग्यो तपाईँको नेपाल? नेपाल बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुल नेपाल है। तपाईँ त भारतीय हुनुहुन्छ होइन, तर अब तो नेपाली अच्छा छु। लगेगा। जी 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 ससुराल। बहुत बहुत अच्छा फील होता है। भनेपछि पहिले धेरै धेरै खुसी माया लाग्यो बस्यो होइन, प्यार भयो पहिले भेट में, एकदम प्यार वाला वो नहीं हुआ था बट लेकिन एक होता है ना अट्रैक्शन थोड़ा सा देख के। हाँ, लड़की अच्छी लग रही, क्यूट है, शी इज इनोसेंट। कति को खुशी हुनुहुन्छ तपाईको घर परिवार यसरी भारतीय ज्वाइँ पाउँदा? एकदमै खुसी हुनुहुन्छ ज्वाइँसँग, सबैजना मम्मी ड्याडी दाई सबैजना एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। सबको इसु यतिको ज्वाइँ त पाउँदिन थिए भन्नुहुन्छ, खोजेर पनि इनकी त नजरे हटि नि रही। बिदा हुनुभयो जस्तो लाग्यो मलाई, दाढीमा होइन मुस्कानमा। हजुर, लकडाउन भन्दा अगाडि लास्ट बे हाम्रो मार्क्स नलागेन, हाम्रै बे भएको होला नै। त्यस्तो डर डर त केही पनि थिएन, खुसी खुसी गएको थिएँ म त, अलिअलि आँसु पनि त्यति निस्केको थिएन। खुसी खुसी नै बिदाई भएको, खुसी खुसी नै गएको। जन्ती चाहिँ कति लिएर आउनु भएको थियो नि? हाम टोटल 16 थिए, 15-16 बस। 15-16 जना भएर एकजना नेपाली टिटेलर लगेर जानु भयो होइन? एक लड़की लेके तपाईले सालीलाई जुत्ता लुगाको कति रुपैयाँ दिनुभयो? नेपाली समझ आते हैं, बोल नहीं सकते। अच्छा, शादी के टाइम पे? हाँ। शादी के टाइम पे तो साली को मैंने सोचा था कि सस्ते में निपटाऊं। बट साली हमारी छोटे पैसा गोने को गोने थे यार। मैं कि पैसों गिने जा रहा हूं, गिने जा रहा हूं। साली भी कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, अली बोरा आओ माया बस मेरे छो, अपने लिए जो भी जाने पीरती लावला पहला रुमाल दियो। दीजिए रुमाल, मैले झन् कहिले नै सोचेको थिएँ इन्डिया गएर मेरो त्यति टाढा भयो होला भनेर त सोचेकै थिएन। वर्षको समयमा तपाईँहरूको कति पटक भेट भयो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितने टाइम हम मिले? वैसे तो काठमांडू में मैं 4 बार आया था, 4 बार मिलने आया था 1.5 साल के अंदर। वो था, सब बोल रहे थे भाई 4 बार जा रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या कारण है। तो नेपाली पनि मजाले बोल्नु हुँदो रहेछ होइन, यो कसरी सिक्नु भयो नेपाली तपाईँले? नेपाली मुझे बोलना नहीं आता है, मैं ट्राई करता हूँ बोलने का, फूटी फूटी नेपाली कोशिश करता हूँ, बट समझ आता है। जैसे आप बोलते हैं ना, समझ आ रहा है, और ज़्यादा तेज बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, फिर मुझे पूछना पड़ेगा साथ में कि क्या बोला ट्रांसलेट। तपाईँले सिकाउनु भयो नेपाली? हजुर, मैले सिकाएको उहाँलाई। पहिला त यस्तरी सुन्नुहुन्थ्यो, यस्तो गर्नुहुन्थ्यो म बोलेको छ। म घरमा त्यस्तै बहिनीहरू हामी साथी साथीमा चाहिँ केन्टे गण्डरीको तन्टैले भन्छन्, यस्तरी बोल्छन् कि। हाँ, बस पूछते हैं कि भाभी कहाँ की है, मतलब भाभी तो नेपाल की है। चलो बढ़िया भाई, भाई पार्टी दे दे। ये भाई चैनल का बटन किसका लगा हुआ है? एंकर का भाई लो, ऐसे ही बोलते ना। इसको लगा देंगे यार फेसबुक पर, ये लगाएंगे। और ये शुरू में मेरे ख्याल से भी फिर ये वही कर रहा है, रीकैप है, बस रीकैप ही सुनेंगे वरना बहुत बड़ी। एकदम रमाइलो है मेरो साथीहरूले, खुसी थिए सबैजना। हो, कति राम्रो इन्डियन भएर पनि इन्डियन जस्तो हुनुहुन्न, कति राम्रो हुनुहुन्छ भनेर सबैले तारिफै गर्नुहुन्थ्यो उहाँको। खुसी हुनुहुन्छ साथीहरू जिस्काउने। तपाईँले त नेपाली गीत पनि गाउनुहुन्छ? नेपाली गीत कोसिस गर्दा हो, जस्तै एक साली मन पर्यो, साली मन पर्यो, मन त एक ही बढ्ती है। कहिले काली मन पर्यो, कहिले गोरी मन पर्यो, ससुराली देखी पछि मेरो साली मन पर्यो। एकदमै मन पर्छ। अब हम जैसे प्यार से कुछ भी बुढ़ी बोल देते कभी कभी, कभी कभी सानू सानी। लवली कपल एंड हमें भी बहुत कुछ सीखने का मिला। यस, मतलब भाई इतनी अच्छी समझ आती है, बोल नहीं सकते। ये इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है, और ये हमारी वाली सिचुएशन, चार चार चक्कर लगाए नेपाल के, तो भाई समझ जाओ कोई बंदा अगर भी इंडिया से लगा रहा ना 4 चक्कर, या कोई नेपाल से इंडिया लगा रहा 3-4 चक्कर 1-2 साल के अंदर अंदर, तो समझ जाओ भाई कुछ होने वाला है। अली अभी तक क्यों नहीं कुछ चक्कर गड़बड़ लगा रहा है? अली इसी बिल्कुल, हम लोग इसीलिए चक्कर नहीं लगा रहे कहीं पर, शेन भाई जो है वो शक न करने लग जाए, और शेन भाई के घर वाले ना कहें कि शेन भाई कहाँ उड़ रहे हो। लेकिन भाई मजा आया इनकी बातें सुन के, और पूरा इंटरव्यू आपको लिंक मिल जाएगा नीचे पूरा। हाँ, जरूर जाके चेकआउट करें, और बेस्ट विशेस फॉर द कपल फ्रॉम पाकिस्तान। काफी स्वीट और क्यूट लग रहे हैं दोनों, तो काफी मजा आया इनकी वीडियो देखकर। फिर मिलते रहेंगे आपको इस तरह और वीडियो के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।